हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे हम यस और नो एक डेटा टाइप होता है उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं, विंडोज के साथ आर बटन दबाइए, टाइप कीजिए एमएस एक्सेस और एंटर कर दीजिए। तो यहां पर एमएस एक्सेस खुल जाएगा और यहां से आपको ब्लैंक डेटाबेस चूज करना हो, यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, व्यू पे क्लिक कीजिए और फिर आ जाइए डिजाइन व्यू पे। और यहां पर हमें टाइप करना है यस, चूंकि मैं इसी नाम से डेटा टाइप के बारे में आपको सिखाने वाला हूं तो यस मैं लिख देता हूं, इसका नाम दे देता हूं इस टेबल का यस। यहां पे आएंगे, ये प्राइमरी की है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इस पे, ठीक है। और प्राइमरी की है, यहां पे आईडी है तो मैं इसको लिख देता हूं स्टूडेंट आईडी, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया स्टूडेंट आईडी, ओके। और ये ऑटो नंबर ही रहने देते हैं, आप इसको नंबर भी कर सकते हैं चाहे तो, चलिए नंबर कर देते हैं। और यहां पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, स्टूडेंट नेम, ओके। और स्टूडेंट नेम एक टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। और देन अब यहां पर हमें इसकी अटेंडेंस की लिस्ट बनानी है, ठीक है। सपोज कीजिए अगर आया होगा तो टिक होगा, अगर नहीं आया होगा तो अनटिक रहेगा ये। तो ये काम हमें करना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अटेंडेंस डाल दूंगा, अटेंडेंस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अब यहां पर आपको क्या करना है, चूज करना यस और नो डेटा टाइप। ये देखिए यहां पे यस और नो डेटा टाइप है, सारे डेटा टाइप के बारे में मैं बता चुका हूं, सिर्फ यस और नो डेटा टाइप रह गया था, तो इसको भी बता देता हूं। क्लिक करता हूं इस पे, ठीक है, और यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए आप। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे ये आपको सेव करने के लिए कहेगा, वेट समटाइम्स, और ये देखिए आ गया है, इसको सेव कर लीजिए। तो यहां पे ये देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको मैं रिसाइज करता हूं और आइए फॉर्म व्यू में चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्म व्यू में कैसा दिखता है। मैं आपको दोनों व्यू दिखाऊंगा, स्प्लिट फॉर्म कर देता हूं तो यहां से दोनों व्यूज आपको दिखने लगेंगे। फिर यहां पे क्लिक करते हैं, आइए डिजाइन व्यू पे चलते हैं और यहां से आकर के, और इसको थोड़ा मैं साइज को यहां से बड़ा कर देता हूं। यहां से देखिए ये यहां पे पकड़िए और खींच करके इसको बड़ा कर लीजिए आप, ठीक है। यहां पे यस लिखा है मैंने, आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं, मैं यहां पे नाम दे देता हूं यस और नो डेटा टाइप, ये मैं दे देता हूं क्योंकि इसी के बारे में हम सीख रहे हैं तो यही नाम मैं दे देने वाला हूं। तो अब यहां पे कलर भी हमें लगाना है, इतने पार्ट में हम कलर भी लगाना चाहते हैं तो यहां पे जाइए, ये बैकग्राउंड कलर है और यहां से आप कलर लगा दीजिए। तो ये देखिए ये कलर अप्लाइड हो गया इस पे, ठीक है। और यहां पे अटेंडेंस आ रहा है तो यहां पे टिक है और ऑटोमेटिकली यहां पे टिक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आएंगे, ठीक है, ये नीचे लेके हम आ गए। अब हमें क्या करना है, यहां पर आपको एक ये दिख रहा होगा कॉम्बो बॉक्स, यहां पे आप देख सकते हैं ये कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है। इस पे आपको करना है क्लिक, ठीक है, और क्लिक करके यहां से आप करा दीजिए इसको ड्रैग। जैसे ही ड्रैग कराइएगा तो ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा और यहां लिखा हुआ है आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू लुक अप द वैल्यू इन अ टेबल और क्वेरी। हमें इसको नहीं सेलेक्ट करना है, हमें नीचे वाले को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, यही दो चीजें हमें लेनी है, तो ये हमने ले ली है और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, एक हाइड है, यहाँ पे हाइड वाले बटन पे मैंने टिक किया हुआ है, अनटिक करिएगा तो दोनों दिखेगा, तो इसको अनटिक न करके टिक ही रहने दीजिएगा। और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ नाम पूछेगा तो यहाँ यही नाम मैं रहने देता हूँ, ओके प्रेस करते हैं। तो ये हमारा कॉम्बो बॉक्स बन करके अब तैयार हो चुका है। आइए अब चलते हैं हम वापस से फॉर्म व्यू पर, ठीक है। तो ये फॉर्म व्यू हमारा ओपन है पहले से, या फिर आप यहां पर क्लिक करिएगा तो ये फॉर्म व्यू में हम आ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अब हम यहां पे एक काम करते हैं, चलते हैं वापस से डेटा शीट व्यू में और यहां पे मैं टाइप करता हूं रोल नंबर वन, ठीक है, और ये नाम है राम, ठीक है। फिर आएंगे यहां पर रोल नंबर टू, फिर यहां पर श्याम, ओके, फिर यहां पे रोल नंबर थ्री की बात करेंगे मोहन, ठीक है, सॉरी मोहन एम ओ एच ए एन। इसके बाद रोल नंबर फोर कर देते हैं सईद, ओके, तो ये कर दिया हमने। अब ये स्टूडेंट प्रेजेंट हैं या अब्सेंट हैं, अब देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है उसको देखते हैं। ये हमारा फॉर्म है, इसमें अभी कुछ दिख नहीं रहा है आपको, एक काम करते हैं इसको सेव करते हैं, यहां से सेव करिए, यस नाम से ये सेव हो रहा है। अब मैं इसको करता हूं क्लोज, मैं पूरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को क्लोज कर देता हूं, यहां से मैंने क्लोज कर दिया। अब हम इसको दोबारा ओपन करते हैं, आइए देखते हैं एमएस एक्सेस, एमएस ये एक्सेस ओपन हो गया, हमने इसको यही है हमारा। तो
तो ये यस नाम से सेव किया था। आइए देखते हैं, अब यहां पे आप देख सकते हैं ये डेटा अपडेट हो चुका है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे आप मोहन को सेलेक्ट कीजिए तो यहां मोहन का रिकॉर्ड आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे राम को सेलेक्ट कीजिए, राम का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। और ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यहां पे टिक कर दीजिए तो ये प्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब आपको सेकंड रिकॉर्ड पे जाना है, जहां से आप इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। यहां पे नेक्स्ट का बटन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने नहीं बनाया है, आप चाहे तो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से यस और नो डेटा टाइप का आप यूज कर सकते हैं। यहां से अटेंडेंस में आ गए और यहां पे श्याम पे भी और राम पे भी, इन दोनों पे हमने टिक कर दिया। तो देखिए ये दोनों स्टूडेंट, मतलब ये हो गया कि ये दोनों स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसका आगे का वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको हम आगे कैसे और भी डिटेल में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आई होगी कि यस और नो डेटा टाइप का यूज कैसे किया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।